ये बंदर ठंडा पी रहा है इतना मजा से मस्ती में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ और एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। गाइस, आज हम जाने वाले हैं एलिफेंटा केव्स। वो छोटा सा आइलैंड है, मुंबई पे है वो। तो आज कैसे वहाँ पहुँचना है, बजट कितना होगा वहाँ जाने के लिए, आज ये बताने वाला हूँ। गाइस, आप लोग बने रहना मेरे चैनल पे। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं ये मानसरोवर रेलवे स्टेशन और ये टिकट भी ले लिया। तो यहाँ से हम सीधी जाएंगे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4। यहाँ से हम सीधी जाएंगे और मेरे साथ जाएंगे आज दोस्त। ये भी, इसका भी एक ब्लॉग चैनल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हाँ लोग जाइए उसमें और सब्सक्राइब कीजिए। ये इस तरह का नज़ारा है मानसरोवर रेलवे स्टेशन। तो फाइनली हम ट्रेन के अंदर घुस चुके हैं, तो यहाँ फिलहाल स्टैंडिंग जाना पड़ेगा, जगह नहीं मिला यहाँ पे, बड़ा भीड़ भाड़ है। फाइनली पहुँच चुके हैं अभी सीएसटी, ये लास्ट स्टेशन है। अभी फिलहाल करूँगा, मेरा दोस्त भी शुरू करेगा अभी, पीछे देख पा रहा होगा इतना भीड़ भाड़। यहाँ से कर दीजिए, इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया और गेटवे ऑफ इंडिया से हम जाएंगे एलिफेंटा केव्स। तो बने रहना चैनल पे। ये देखिए, यहाँ से हम जाएंगे गेटवे, ये बस, और यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से हमको सिक्योरिटी चेक से हमको गुजरना पड़ेगा। तो ये है सिक्योरिटी चेक, हम लोग यहाँ से गुजरना है गेटवे ऑफ इंडिया अंदर घुसने के लिए। तो गाइस, फाइनली गेटवे ऑफ इंडिया में पहुँच चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं होटल ताज और होटल ताज टावर दिखाई दे रहे हैं पीछे। तो हम यहाँ से जाएंगे एलिफेंटा केव और हम लोग, हमको यहाँ से टिकट लेना होगा। तो गाइस, फाइनली ले लिया टिकट एलिफेंटा केव्स जाने के लिए। एक टिकट 260 रुपीस लिया है, तो रिटर्न है 260 रुपीस, आना जाना होगा। तो बने रहना मेरे चैनल पे। गाइस, पहुंच चुके हैं यहाँ कानपुर। अभी टॉय ट्रेन में है, यहाँ से टॉय ट्रेन से जाना पड़ेगा एलिफेंटा केव के लिए। चौकी बहुत नजदीक, ये है टॉय ट्रेन। बहुत वेदर में जा सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा वेदर बहुत गर्मी है इसलिए
थोड़ा एक्सपीरियंस करने का। गाइस फाइनली पहुंच चुका है अभी, जस्ट अभी यहां से 120 सीढ़ी हमको पार करना है तब एलिफेंटा कैप पहुंचेंगे हम। तो आप इस बीच में बहुत सारा मार्केट दिखाई देगा, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करेगा चलते चलते। बहुत सारा मार्केट है। यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होता है 120 सीढ़ी, चल के जाना पड़ेगा एलिफेंटा केव्स तक। अंदर भगवान, हम सब का भगवान है ये बंदर। ठंडा पी रहा है इतना मजा से मस्ती में। तो फाइनली आधा सीढ़ी चल चुके हैं हम दोनों वाला है अभी। ये लेना बहुत जरूरी है, बहुत थक जाते हैं। कोको कोला हमेशा तो एनर्जेटिक में रहना जरूरी है। वही बहुत सीढ़ी 120 सीढ़ी चलना मामूली बात नहीं है ना, इसलिए ये सब बहुत जरूरी है। एनर्जी ड्रिंक्स फाइनली और एक काउंटर है टिकट का, तो यहाँ से भी हमको टिकट ले जाना पड़ेगा 40 रुपीस का, तब हम एलिफेंटा केव्स तक हम जा सकते हैं। बिना टिकट से हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए यहाँ लेना कंपल्सरी है। गाइस फाइनली पहुंच चुका है एलिफेंटा केव्स, ये बाहर का नज़ारा है आप देख सकते हैं। अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो हम कोशिश करेगा कि जैसे तैसे दिखाने के लिए कोशिश करेगा। मेरे पीछे देख पा रहा होगा ये है एलिफेंटा केव्स, और इस प्रकार का बहुत सारा केव्स है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और ये आप सबको बता दूं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को द्वारा इसको 1987 में इसको घोषित किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बहुत ही सुंदर आप आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है ये। हर कोई दुनिया देश भर से बहुत आते हैं लोग टूरिस्ट यहाँ पे, आप देख पा रहा होगा।
हेलो हेलो हाय 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 हेलो हेलो। तो गाइस फाइनली घूम चुके हैं एलिफेंटा केव्स, तो आज वापस जाने वाले हैं हम कुछ खाना वाना खा के। तो आज का ब्लॉग इतना में रहेगा, नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ आप सबको फिर से हाजिर होंगे।